हेलो बच्चों, मैं मनीष सिंह, आप सभी लोगों का लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करता हूं। ठीक, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ग्रुप 15 की स्टडी कर रहे थे। और हम आज इस वीडियो लेक्चर में ग्रुप 15 की उपलब्धता मीन्स इसके अकरेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके एलिमेंट्स कौन से इसके स्रोत हैं, दूसरा नाइट्रोजन का असामान्य गुण उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हैलोजन तथा धातुओं के प्रति इसकी क्या क्रियाशीलता है, ठीक किस तरह से ये अभिक्रिया करता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो पहला मैं लेता हूँ वर्ग 15 की उपलब्धता। ठीक, इसका उपलब्धता क्या क्या है बच्चों, वर्ग 15 की उपलब्धता, इसी को आप बोलते हैं अकरेंस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट। ठीक, हम देखेंगे सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन पता है कि हमारे वायुमंडल में कुल 78% तक पाया जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन हमको कितना मिलता है, 78% तक वायुमंडल में। तो मैं लिख सकता हूं नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% तक क्या होता है, उपस्थित होता है, तक उपस्थित होता है। यह पहला पॉइंट हो गया। दूसरा मैं बोल सकता हूं कि नाइट्रोजन आपको NaNO3 तथा KNO3 के रूप में भी मिल सकता है। तो नाइट्रोजन NaNO3, इसको आप बोलते हो सोडियम नाइट्रेट। और ये जो सोडियम नाइट्रेट है, इसी को आप कहते हो चिली सॉल्ट पीटर। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है चिली सॉल्ट पीटर किसको कहते हैं, तो चिली सॉल्ट पीटर आपका NaNO3 कहलाता है, चिली सॉल्ट पीटर के रूप में पाया जाता है आपका NaNO3। ठीक है, यह क्या है, तो यह इसका एक स्रोत है NaNO3, जिसे आपको नाइट्रोजन मिलता है। अगला है आपका KNO3, इसको बोलते हो पोटेशियम नाइट्रेट। इसका नाम क्या है बच्चों, तो इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, और इसी पोटेशियम नाइट्रेट को आप कहते हो इंडियन साल्ट पीटर। इसी को आप क्या कहते हो बच्चों, तो इसी को आप कहते हो इंडियन साल्ट पीटर। आपको समझ में आया। ठीक है, तो नाइट्रोजन आपको NaNO3 के फॉर्म मिलता है और KNO3 के फॉर्म में, यह आपका मेन है, इस एग्जाम में पूछा जाता है। तो NaNO3 को चिली साल्ट पीटर और इस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को आप इंडियन साल्ट पीटर कहते हो। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ये स्रोत हो गए। अब इसी तरह अगर हम फास्फोरस की बात करें, तो आपको पता है कि जो फास्फोरस होता है, पी को आप बोलते हो क्या, फास्फोरस। तो बच्चों ये जो फास्फोरस होता है, यह आपके एनिमल्स में या प्लांट दोनों में पाया जाता है, और इसी का एक रूप होता है फास्फोप्रोटीन। तो ये आपका फास्फोप्रोटीन दूध तथा अंडों में मिलता है। ये किसमें मिलता है, फास्फोप्रोटीन आपको मिलता है दूध तथा अंडों में पाया जाता है, एग्स में पाया जाता है, कौन, फास्फोप्रोटीन। यह भी एक क्या है, तो फास्फोरस का एक स्रोत है, कौन, फास्फोप्रोटीन। तीसरा हम लिख सकते हैं बेटा आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ। ये जो तीनों हैं, इसके जो स्रोत हैं वह सल्फाइड के अयस्क में मिलते हैं। ठीक है, तो सल्फाइड के जितने भी अयस्क होते हैं उसमें आपको आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ मिलता है। तो ये कहाँ मिलेगा, तो सल्फाइड के अयस्कों में आप बोलेंगे, कहाँ पे बेटा, सल्फाइड के अयस्कों में पाया जाता है, कौन, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ। एयस को आप कहते हो आर्सेनिक, क्या बोलते हो बेटा, आर्सेनिक। एसबी को आप बोलते हो एंटीमनी और इस बीआई को आप कहते हो क्या, बिस्मथ। क्या बोलते हो, बिस्मथ। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में बात किया, वर्ग 15 की उपलब्धता क्या क्या। अब एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूं फिर से आपको समझ में आ जाए। नाइट्रोजन वायुमंडल में आपको 78 से 79% तक मिल सकता है। नाइट्रोजन के ये दो रूप है जिसमें आपको नाइट्रोजन मिल सकता है। ठीक है,
एक होता है आपका NaNO3, नाइट्रोजन आपको NaNO3 के फॉर्म में KNO3 के फॉर्म मिलता है। इस NaNO3 को आप सोडियम नाइट्रेट, इसी को चिली साल्टपीटर बोलते हो, इस KNO3 को पोटेशियम नाइट्रेट, इसी को आप इंडियन साल्टपीटर बोलते हो। फास्फोरस आपका प्लांट्स तथा एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं और इसके एक रूप हो सकते हैं या इसका एक स्रोत होता है जिसको हम बोलते हैं फास्फोप्रोटीन। अब फास्फोप्रोटीन आपका दूध होता था, अंडों मिलता है जिसमें से फास्फोरस ही होते हैं, ठीक है। अगला आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ, यह तीनों सल्फाइड के क्या अयस्क हैं, इसी को मैंने लिखा आर्सेनिक। एस को आप आर्सेनिक कहते हो, एस बी को एंटीमनी तथा बीआई को क्या कहते हो बच्चों, बिस्मथ, ठीक है। तो हमने इसके बारे में बात किया वर्ग 15 की उपलब्धता क्या गया। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन का असामान्य गुण क्या होता है, ठीक है। अगली हेडिंग है बेटा नाइट्रोजन का असामान्य गुण, नाइट्रोजन का असामान्य गुण। अगर आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं लगती है तो उसे 360 पे करके देखिए, आप अपने नेट में 360 करके देखिए यूट्यूब पे। नाइट्रोजन का असामान्य गुण, इसी को आप बोलते हो एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। अगली हेडिंग है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, नाइट्रोजन। मैं चाहता तो कोई भी आसान सा चैप्टर उठा के आपको पढ़ा सकता था, बट लेंदी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको इसी को पढ़ाऊंगा। पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा। 8 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, अब देखिए आपको पता है हमने बताया था वर्ग 15 में कौन कौन से सदस्य हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा बिस्मथ, ठीक। अब जो नाइट्रोजन होता है, जो वर्ग 15 का पहला सदस्य है, वह अपने वर्ग के अन्य सदस्यों की तुलना में उसके जो गुण होते हैं अन्य सभी से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। कुछ ऐसे भी उसके पास गुण पाए जाते हैं जो अन्य तत्व, अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों की अपेक्षा क्या होते हैं, अलग होते हैं। उसी को हम कहते हैं बेटा नाइट्रोजन का असामान्य गुण, ये इंग्लिश में कहा जाता है एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, ओके। तो अब हम देखेंगे कि इसका कौन कौन सा एनोमलस प्रॉपर्टीज है। तो पहला प्रॉपर्टीज है कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का आकार अपने वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में छोटा होता है। कैसा होता है, छोटा होता है। तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन का आकार क्या होना, छोटा। नाइट्रोजन का आकार छोटा होना, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक। दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो इसकी जो आयनन एंथैल्पी होती है, आयनन एंथैल्पी तथा विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, अन्य तत्वों की तुलना में उच्च होता है। तो हम लिखेंगे विद्युत ऋणात्मकता जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तथा विद्युत ऋणात्मकता तथा आयनन एंथैल्पी जिसे आप कहते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयनन एंथैल्पी का मान उच्च होना, यह भी एक इसका कारण है कि इन दोनों के मान क्या होते हैं, उच्च होते हैं हमेशा नाइट्रोजन के, जिसके वजह से ये अन्य तत्वों की तुलना में, अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में क्या होते हैं, असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तीसरा जो मैं पॉइंट बोल सकता हूं, जो नाइट्रोजन होता है इसके पास कोई भी डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होते, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होने के कारण भी यह क्या करता है, अपने तत्व के ही, अपने वर्ग के ही अन्य तत्वों की तुलना में असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो तीसरा मैं बोलूंगा डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति, किसमें, नाइट्रोजन में, तो बोलूंगा डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं जिसके वजह से यह अन्य तत्वों की तुलना में क्या होता है, असामान्य गुण प्रदर्शित करता है। अब देखिए कुछ मैं इसके कॉन्सेप्ट और समझाता हूं आपको, कि जब भी मैं N2 की बात करता हूं, ठीक,
नाइट्रोजन आपका पता है डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। डाइएटॉमिक का मतलब एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इसी तरह फास्फोरस हमेशा क्या बनाता है, पी फोर बनाता है, ठीक है। ये डाइएटॉमिक बनाता है जबकि टेट्राएटॉमिक बनाता है, ठीक, हमेशा पी फोर बनाएगा। कहने का मतलब है कि जो नाइट्रोजन है ये डाइएटॉमिक तो बनाता है, बट कभी भी आप नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में आप सिंगल बॉन्ड नहीं देखते हैं, ठीक। जबकि अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस को आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो फास्फोरस के। जबकि जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन कभी भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक। तो हम इसके रीजन को समझते हैं कि ये जो दोनों नाइट्रोजन है ये दोनों हमेशा सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। देखिए अगर ये दोनों सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, जिसको आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हो। तो यह जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, इन दोनों लोन पेयर के बीच में, इन दोनों की जो साइज होती है नाइट्रोजन की बहुत ही छोटी होती है, तो साइज जब छोटा होगा तो दोनों के बीच में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, उसका यहाँ पे होगा प्रतिकर्षण। क्या बोलेंगे आप, प्रतिकर्षण। इस प्रतिकर्षण को आप इंग्लिश में बोलते हो रिपल्सन। दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। और जब रिपल्सन होगा तो इसके वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, या बोल सकते हो स्टेबल नहीं होगा। तो N2 में के बीच में कभी भी नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को नहीं मिलता है, आए बात समझे। जबकि P4 में क्या होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात अब समझते हैं, जो नाइट्रोजन होता है नाइट्रोजन के बीच में हमेशा दो नाइट्रोजन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दो नाइट्रोजन है तो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनता है, त्रि अबंध बनता है। त्रि अबंध का मतलब क्या है, यहाँ पे तीन बॉन्ड बनते हैं। त्रि अबंध में एक सिग्मा तथा दो पाई, तो आप बोलते हो एक सिग्मा बॉन्ड हो गया तथा दो क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं हमेशा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, ठीक, आए बात समझे। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं या त्रि अबंध बनते हैं, जबकि इन दोनों के बीच में, दो नाइट्रोजन के बीच में कभी भी सिंगल अबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, तो ये हो गया इसके बारे में, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता क्या होती है, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करता हूं। तो नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोजन, जो वर्ग 15 के तत्व हैं उनकी हाइड्रोजन के प्रति क्या क्रियाशीलता है। तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, हाइड्रोजन के साथ उसकी क्रियाशीलता किस प्रकार से है। तो मैं बोलूंगा हाइड्रोजन के प्रति क्या बेटा, क्रियाशीलता, क्या क्रियाशीलता, इसी को मैं लिखूंगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। क्या लिखूंगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। मींस अगर हाइड्रोजन के साथ ये अभिक्रिया करे तो क्या बनाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके वर्ग 15 के तत्व हाइड्राइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स। तो हम मैं लिख सकता हूं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वर्ग 15 के तत्व क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स। और वो हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, तो उसे आप बोलते हो ट्राई हाइड्राइड्स का निर्माण करते हैं। तो मैं लिखूंगा वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो ट्राई हाइड्राइड्स बनाते हैं, ट्राई हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक, ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं, आया बात समझे। अब मैं देखता हूं यहां पे कौन 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 से तत्व थे। तो नाइट्रोजन था, तो नाइट्रोजन अगर हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा तो क्या बनाएगा, NH3। फास्फोरस अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, PH3। नाइट्रोजन फास्फोरस, उसके बाद क्या था, आर्सेनिक। आर्सेनिक अगर अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा ASH3। एंटीमनी यदि अभिक्रिया करता है तो बनाएगा SbH3। और यदि बिस्मथ अभिक्रिया करता है बेटा तो बनाएगा BiH3।
इसी को आप बोलते हो ट्राई हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स का मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BIH3। तो यह सभी तत्व वर्ग 15 के तत्वों ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया। अब समझते हैं, अगर मैं इसके स्थायित्व की बात करूं, ठीक है, कि कौन ज्यादा यहां पर स्थायित्व होगा, तो मेरा जो पहला कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ते हैं किसके बारे में, स्थायित्व के बारे में। स्थायित्व का मतलब है बेटा स्टेबिलिटी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, या इसी को आप बोल सकते हो ताप स्थायित्व, ठीक है। देखिए कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो बात को समझिए। इससे पहले एक चीज और, अगर मैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, और इस 7 का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विनिमय और यल कोष में करता हूं तो 2 और मैं क्या लिख सकता हूं, 5, मतलब इसके बाह्य कोष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। आया बात समझे, तो जब 5 बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन है तो अगर यह नाइट्रोजन 3 के साथ बॉन्ड बनाता है तो अपने 3 इलेक्ट्रॉन खर्च करेंगे, उसके बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और वह जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसी को हम बोलते हैं क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को आप क्या कहते हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यह सभी के पास क्या होते हैं, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस फास्फोरस के पास भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, AS के भी पास, आर्सेनिक के भी पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस एंटीमनी के भी पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस बिस्मत के भी पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। आए पास समझे, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन, आप एक का मैं बता रहा हूं, सब में वही चीज है, ठीक है। अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के और यल कोष में करोगे तो 2 और 5 होते हैं, मतलब यह बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसे बोलते हैं बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो 5 है, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास, 5 है, ठीक। तो 5 है तो 3 के साथ अगर ये बंद बनाता तब भी कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 2, 2 का मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसे कहा जाता है, ठीक। अगर मैं स्थायित्व की बात करूं कि सबसे ज्यादा स्थायित्व कौन होगा, तो देखिए नाइट्रोजन का जो आकार होता है बहुत छोटा होता है, फास्फोरस का आकार उससे बड़ा होता है, आर्सेनिक का आकार उससे बड़ा होता है, फिर एंटीमनी का होता है। तो जब इसकी साइज बढ़ती हुई जा रही है और इस छोटे से आकार में 3 बंध को पकड़ के रखना है, यह नाइट्रोजन हो गया, यह फास्फोरस, यह आर्सेनिक, यह एंटीमनी और यह क्या है, बिस्मथ। अगर मैं बोलूं कि यह नाइट्रोजन है तो इसका आकार हो गया फास्फोरस का, फिर हो गया आर्सेनिक का, फिर एंटीमनी का, और फिर किसका हो जाएगा, बिस्मथ का। तो इसका आकार छोटा है और इसके पास कितने हाइड्रोजन पकड़ के रखने हैं, इसको 3 हाइड्रोजन, जबकि इसका आकार क्या है, बड़ा है। यह अपने हाइड्रोजन का ध्यान उतने अच्छे से नहीं रख पाएगा जितने अच्छे से कौन रख सकता है, नाइट्रोजन, ठीक है। और अगर मैं AS की बात करूं आर्सेनिक की, तो यह अपने नाइट्रोजन को इतने अच्छे से नहीं पकड़, अपने हाइड्रोजन को इतने अच्छे से नहीं पकड़ के रख पाएगा किसकी तुलना में, जबकि एंटीमनी जो है AS का, जबकि SB जो है इसके हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, इतने अच्छे से पकड़ नहीं रख पाएगा, और यह इसका आकार बहुत बड़ा है, इसलिए क्या होता है, यहां पे यह जो हाइड्रोजन है इसका ताप स्थायित्व क्या होता है, कमजोर होता है किसकी तुलना में, नाइट्रोजन की तुलना में। आए बात समझे, मतलब नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है और यह अपने हाइड्रोजन को अच्छे से पकड़ के रखता है, मतलब इसका ताप स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा अच्छे से टेम्परेचर को झेल पाता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा ताप स्थायित्व किसका होगा, तो ताप स्थायित्व की मैं बात करूं तो ताप स्थायित्व या स्थायित्व सबसे ज्यादा NH3 का, और फिर किसका होगा, PH3 का, और उसके बाद ASH3 का, फिर SBH3 का, और उसके बाद लास्ट किसका है, BIH3 का। यह मैंने किसकी बात की, ताप स्थायित्व या स्थायित्व की बात की, ठीक है। अब हम देखते हैं अपचायक गुण किसका अच्छा होता है। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है अपचायक गुण, ठीक है। अपचायक गुण किसका अच्छा होता है, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर। देखिए अपचायक गुण किसका अच्छा है,
ऑक्सीकरण और अपचायन को अपचायक के लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और अपचायक क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का निकलना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन को कौन देगा यहां पे? हाइड्रोजन को देने का काम वह करेगा जिसके पास अपना हाइड्रोजन होगा। तो आसानी से बंध किसके टूट रहे थे? इस बिस्मत के, ठीक है। तो मैं बोलूंगा जो बिस्मत है यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा अपचायक होगा, मिस प्रबल अपचायक की तरह काम करेगा, जबकि जो एमीन है एनएस3 है यह क्या हो जाएगा? यह हमारे लिए दुर्बल अपचायक की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसने अपने हाइड्रोजन को तो पकड़ के रखे हैं, जबकि यह जो बिस्मत है इसने क्या किया है? इस बिस्मत का हाइड्रोजन आसानी से टूट सकता है। क्यों? क्योंकि इसका ताप स्थायित्व कमजोर होता है। ताप स्थायित्व कमजोर क्यों होता था? क्योंकि इसका जो बंध वियोजन एंथैल्पी होता है, बंध वियोजन एंथैल्पी क्या होता था? कमजोर। बंध वियोजन एंथैल्पी का मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, कमजोर होता है, ठीक है। अब देखिए तो क्या बोलेंगे इसका अपचायक गुण के बारे में, क्या कहेंगे? तो अपचायक गुण सबसे अच्छा किसका होगा? आपका BiH3 का सबसे अच्छा, BiH3 सबसे अच्छा। फिर किसका होगा? आपका SbH3 का, और उसके बाद क्या हो जाएगा? AsH3 का, और उसके बाद आपका PH3, और उसके बाद आप बोल सकते हो किसका? NH3 का। मतलब हम कह सकते हैं कि आपका जो BiH3 ये प्रबल अपचायक है, जबकि आपका NH3 क्या है? दुर्बल अपचायक की तरह काम करता है। आई बात समझे? तो BiH3 को मैं बोलूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग करेक्टर या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी इसको कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए तो यह क्या होगा? यह प्रबल है, प्रबल अपचायक की तरह काम करेगा, जबकि यह क्या होगा? यह एक दुर्बल अपचायक की तरह काम करेगा। कैसा? दुर्बल अपचायक की तरह। दिखाई दे रहा है आपको? यह आपका प्रबल अपचायक की तरह, जबकि यह कैसा काम करेगा? दुर्बल अपचायक की तरह। क्यों? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्योंकि इसका हाइड्रोजन आसानी से टूट सकता है, और जब हाइड्रोजन आसानी से टूट जाएगा तो यह अपना हाइड्रोजन देकर किस तरह से काम कर सकता है? अपचायक की तरह व्यवहार कर सकता है, ठीक है। किस तरह व्यवहार कर सकता है? यह दूसरे के लिए अपचायक का व्यवहार कर सकता है, इसी को हम बोलते हैं क्या? इसीलिए BiH3 एक प्रबल अपचायक है, जबकि NH3 आपका क्या है? दुर्बल अपचायक है। आया बात समझे? चलिए अब एक और चीज समझते हैं इसमें। अब अगला मैं अगर क्षारीय गुण की बात करूं, क्षारीय गुण बेसिक करेक्टर, क्षारीय गुण या इसी को आप बोलते हो क्या? बेसिक करेक्टर। ठीक है, तो देखते हैं क्षारीय गुण किसका सबसे अधिक होता है। देखिए अगर मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमारा NH3 बना था, फिर PH3 था, आर्सेनिक के साथ AsH3 बनाएगा ट्राईहाइड्राइड, एंटीमनी भी ट्राईहाइड्राइड बनाएगा तो SbH3, और बिस्मत ट्राईहाइड्राइड बनाएगा तो क्या हो जाएगा? BiH3। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखिए अब क्या करेंगे बेटा जी, जब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, नाइट्रोजन का आकार छोटा और हाइड्रोजन भी छोटा, और जब दोनों का आकार छोटा तो अच्छे से दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? रिलेशन बनेगा। अब बॉन्ड जब मस्त बनेगा तो क्या हो जाएगा? जब बॉन्ड यहाँ पे एकदम टाइट बनेगा, मस्त बनेगा तो इसके वजह से क्या हो जाएगा बेटा जी, कि इसके वजह से यह क्या हो जाएगा? एक अच्छा क्षारीय गुण की तरह काम करेगा। जबकि अगर मैं बिस्मत की बात करूं तो बिस्मत का आकार क्या है? बड़ा, और बड़ा होने की वजह से इसका जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि अच्छा क्षारीय गुण कौन होगा? तो आपका अच्छा क्षारीय गुण NH3 होगा, और यह क्या होगा? आपका क्षारीय गुण कमजोर होगा या कम होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्षारीय गुण या बेसिक करेक्टर की अगर मैं बात करूं तो बेसिक करेक्टर किसमें होगा सबसे अधिक? तो आपका NH3 में सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर, फिर किसमें हो जाएगा? PH3 में, फिर AsH3 में, फिर SbH3 में, उसके बाद BiH3, ठीक। तो यह हमने किसके बारे में बात किया बेटा? क्षारीय गुण के बारे में, कि क्षारीय गुण किस प्रकार से होता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, जबकि इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, जबकि इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? कम होता है, ठीक। और क्षार होता क्या है?
तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है उसको आप एसिड बोलते हो या अम्ल बोलते हो, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है उसको आप क्या बोलते हो, क्षार बोलते हो। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्षारीय गुण आपका NH3 का, और सबसे कम किस में होगा, BiS3 या बिस्मथ में। ठीक, यह हमने किसके बारे में बात किया, तो यह हमने बात किया आपका क्षारीय गुण के बारे में, हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता। अब मैं देखूंगा ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता में क्या होता है। ठीक है, ठीक, तो अगला हमारा है ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। मैं इसको लिखूंगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए भाई, ऑक्सीजन के प्रतिक्रियाशीलता का मतलब है कि वर्ग 15 के तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे। ठीक है, तो जब वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 में फिर याद करवाता हूं मैं, नाइट्रोजन था, फास्फोरस था, आर्सेनिक था, एंटीमनी था, और कौन सा था, बिस्मथ। याद हो गया कि नहीं, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, या नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इतनी बार बताऊंगा कि आपको रट जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, यह जो वर्ग 15 के तत्व हैं, यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके या तो ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं या तो पेंटाऑक्साइड बनाता है, या तो क्या बनाते हैं, ट्राई ऑक्साइड, या फिर क्या बोलते हो आप, पेंटाऑक्साइड कहते हो। ठीक है, पेंटाऑक्साइड, इसी को आप E2O3 बोल सकते हो, और या फिर क्या बोल सकते हो, E2O5। E2O का मतलब है, E का मतलब यहाँ पे कोई भी आपका नाइट्रोजन, E का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस या आर्सेनिक या एंटीमनी या फिर कोई बिस्मथ। ठीक है, तीन का मतलब है यहाँ पे तीन ऑक्सीजन, ट्राई ऑक्साइड बोलते हो, और पांच के साथ क्या बोलेंगे, पेंटा। जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होती है वह ज़्यादा स्थायित्व होता है, जबकि जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, जिस ऑक्साइड की ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है वह हमारे लिए क्या होता है, कम स्थायित्व होता है। आए बात समझे, अब देखिए, तो यहां पे जो ट्राई ऑक्साइड्स वाले हैं, ठीक है, जो हमारे पास ट्राई ऑक्साइड है वह क्या होता है, वह अम्लीय गुण की तरह व्यवहार करता है। किस तरह से, तो ट्राई ऑक्साइड वाला क्या होता है, ट्राई ऑक्साइड ऑक्साइड अम्लीय गुण की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अम्लीय गुण इसमें पाया जाता है, बात को समझिए। जैसे जो नाइट्रोजन का ट्राई ऑक्साइड होते हैं वह पूर्ण तरह से अम्लीय होते हैं। ठीक है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर ट्राइऑक्साइड का अम्लीय गुण क्या होता है, अम्लीय गुण का घटता है। क्या होता है बच्चों, तो बोलेंगे घटता है। आए बात समझे, मतलब जो नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के जो ऑक्साइड होते हैं यह क्या होता है, तो यह अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। तथा आर्सेनिक तथा एंटीमनी के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्या होता है, इसके जो ऑक्साइड होते हैं, इसका जो ऑक्साइड होगा वह क्या होगा, उभय धर्मी गुण इसमें होता है, उभय धर्मी गुण। उभय धर्मी को आप बोलते हो एम्फोटेरिक, क्या कहते हो बच्चों, एम्फोटेरिक बोलते हो। ठीक, और इसके बाद जो बिस्मथ होता है यह क्षारीय होता है। कैसा होता है इसका गुण, इसके ऑक्साइड जो होते हैं वह क्षारीय की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट हमारा है हैलोजन के प्रतिक्रियाशीलता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा हैलोजन के प्रतिक्रियाशीलता, मतलब इसमें इस टॉपिक में मैं यह देखूंगा कि अगर कोई भी वर्ग 15 के तत्व हैलोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो किस प्रकार से अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो देखिए, तो मैं लिखूंगा हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता, हैलोजन के प्रति ठीक, इसी को मैं बोलूंगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। मतलब यह अगर वर्ग 15 के तत्व हैलोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होते हैं,
तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग 15 के तहत तो हेलोजन के साथ अभिक्रिया करके दो हैलाइड्स बनाते हैं, एक को हम बोलते हैं ट्राई हैलाइड तथा दूसरे आपके होते हैं क्या, तथा पेंटा हैलाइड बनाते हैं। ठीक, क्या बोलोगे बेटा? तो आप बोलोगे ट्राई हैलाइड बनाते हैं तथा क्या बनाता है, पेंटा हैलाइड बनाते हैं। ठीक, ट्राई हैलाइड तथा पेंटा हैलाइड। अब देखिए, तो आप बोल सकते हो EX3 तथा क्या बनाते हैं, EX5 का निर्माण करते हैं। अब E का मतलब क्या है? तो E का मतलब है आपका E बराबर कोई भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी तथा क्या हो सकता है, बिस्मथ। लेकिन एक बात ध्यान देना बेटा जी कि यह जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कभी भी पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है। क्या लिखेंगे आप, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, अब इसको समझेंगे। मतलब मैं बोल सकता हूं कि नाइट्रोजन कभी भी NCl5 का निर्माण नहीं कर सकता, ठीक है, जबकि आपका जो फास्फोरस है, फास्फोरस PCl5 बना सकता है, लेकिन ये नाइट्रोजन कभी भी NCl5 का निर्माण नहीं कर सकता है। तो हम इसका रीजन समझेंगे कि क्यों नाइट्रोजन NCl5 नहीं बना सकता है, जबकि फास्फोरस NCl5 का निर्माण क्यों कर सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन NF3 तो बना सकता है, लेकिन कभी भी NCl5 नहीं बना सकता। क्यों? मतलब 5 के साथ ये बंध नहीं बना सकता। इसका कारण क्या है? नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन के पास अपने डी ऑर्बिटल नहीं होते। नाइट्रोजन का जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था तो क्या देखा था, एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2 और क्या होते थे, 2p3। तो इसके पास कोई भी अपना डी ऑर्बिटल नहीं है जिसके साथ हुआ क्या कर सके, 5 सहसंयोजक बंध का निर्माण कर सके। आए बात समझे? तो अगर कोई पूछे नाइट्रोजन NCl5 का निर्माण क्यों नहीं कर सकता जबकि फास्फोरस क्यों कर सकता, तो हम बोलेंगे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास अपना डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता। तो बोलेंगे नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति मतलब इसके पास अपना डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता जिसके कारण यह 5 सहसंयोजक बंध का निर्माण कर सके। तो बोलेंगे डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण नाइट्रोजन NCl5 का निर्माण नहीं कर सकता, जबकि अन्य तत्व क्या कर सकते हैं, पेंटा हैलाइड बना सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन केवल ट्राई हैलाइड बना सकता है, पेंटा हैलाइड का निर्माण नहीं कर सकता। कोई पूछे क्यों, तो इसका आंसर है क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है उसके पास डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होता जिससे अपने इलेक्ट्रॉन को प्रसार कर सके और 5 सहसंयोजक बंध का निर्माण कर सके। आए बात समझे कि पेंटा हैलाइड ट्राई हैलाइड की अपेक्षा अधिक सहसंयोजी क्यों होते हैं। जो पेंटाहैलाइड है वह ज्यादा सहसंयोजी क्यों होता है किसकी तुलना में, ट्राईहैलाइड की तुलना में। तो जो पेंटाहैलाइड होगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि ट्राईहैलाइड की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, कम होती है। तो जिसके कारण क्या होगा, जो पेंटाहैलाइड है इसमें ध्रुवण क्षमता ज्यादा होती है जबकि ट्राईहैलाइड में ध्रुवण क्षमता क्या होती है, कम होती है। तो हम बोलेंगे पेंटाहैलाइड ट्राईहैलाइड की अपेक्षा अधिक सहसंयोजी क्यों होते हैं। तो पेंटाहैलाइड की ऑक्सीकरण संख्या अधिक होती है जबकि ट्राईहैलाइड की ऑक्सीकरण संख्या कम होती है, जिसके वजह से जो ट्राईहैलाइड है उसमें ध्रुवण क्षमता कम होती है जबकि पेंटाहैलाइड में ध्रुवण क्षमता अधिक होती है जिसके वजह से वह अधिक सहसंयोजी होता है। अगला टॉपिक है धातुओं के प्रतिक्रियाशीलता। धातुओं के प्रतिक्रियाशीलता क्रियाशीलता ठीक है, बोलेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल किसके साथ,
तो जो मेटल होते हैं उसके साथ धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमको समझना है। देखिए, जो आपका नाइट्रोजन था या फास्फोरस या आर्सेनिक या एंटीमनी या क्या था बिस्मथ, यह सारे क्या होते हैं, यह सभी वर्ग 15 के तत्व धातु से अभिक्रिया करके द्वियंगी यौगिक बनाते हैं, द्वियंगी बनाते हैं, ठीक है, द्वियंगी। अब देखिए, जैसे मैं लिखूं और इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है, वह ऑक्सीकरण संख्या भी क्या होती है बेटा जी, तो वह -3 होती है। अभी समझेंगे इसको कैसे। देखिए, नाइट्रोजन अगर किसी धातु के साथ अभिक्रिया करे तो बना सकता है Ca3N2, इसी तरह फास्फोरस अगर करे तो Ca3P2 बना सकता है, ठीक। अगर आर्सेनिक करता है तो Na3As बना सकता है, या धातु से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, आर्सेनिक हो गया। अगर एंटीमनी का मैं लिखूं तो Zn3SB, और अगर मैं बिस्मथ का लिखूं तो Mg3 और हो जाएगा Bi2। अब इसको समझते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कैल्शियम नाइट्राइड कहते हैं, इसको कैल्शियम फास्फाइड, इसको बोलेंगे सोडियम आर्सेनाइड, ये आपका है जिंक एंटीमोनाइड, और इसे आप बोलते हो मैग्नीशियम बिस्मथाइड। आया बात समझे, तो इसको आप बोलोगे कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फास्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड, और क्या हो जाएगा मैग्नीशियम बिस्मथाइड, इसको कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, तो कुल 3 पे कितना हो गया +6, तो इस पे +6 हो गया, तो इस पे कितना होना चाहिए -6, तो दो नाइट्रोजन के लिए -6, तो एक नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा इसका ऑक्सीकरण संख्या -3। इस कैल्शियम पे अगर +2 है तो कुल 3 है, तो कुल कितना हो गया +6 हो गया, तो इस पे कितना होना चाहिए -6, तो दो फास्फोरस है तो एक पे कितना हो गया -3, ऑक्सीकरण संख्या हुआ -3। यहां देखिए, एक सोडियम पे +1 होता है तो 3 पे कितना हो जाएगा +3, तो इस आर्सेनिक पे कितना हो जाएगा बाबू -3, क्लियर है। अब इसको समझते हैं, जिंक पे +2 होता है और गुने 3 कर दीजिएगा, 3 है तो कितना हो गया +6, यहां होना चाहिए -6, तो दो के लिए -6 ना, तो एक के लिए कितना -3। अब यहां देखिए, एक मैग्नीशियम पे +2 तो 3 मैग्नीशियम पे कितना +6, तो यहां पे कितना होना चाहिए -6, बट दो बिस्मथ के लिए -6, तो एक बिस्मथ के लिए -3। तो हमने क्या देखा कि धातुओं के साथ जब वर्ग 15 के तत्व अभिक्रिया करते हैं तो वह क्या बनाता है बेटा, तो वह आपके बनाते हैं क्या, द्वियंगी यौगिक बनाते हैं, तथा इसकी ऑक्सीकरण संख्या -3 होती है। हमने क्या क्या लिखा, कैल्शियम नाइट्राइड इसको आप बोल सकते हो, ठीक है, क्या क्या बनाता था, तो हमने लिखा Ca3N2, ठीक, ये नाइट्रोजन का हो गया। फास्फोरस क्या बनाता है, Ca3P2, आर्सेनिक क्या बनाता है, Na3As, आर्सेनिक बना सकता है इस तरह के तत्व, ठीक, इस तरह का यौगिक का निर्माण कर सकता है, तो नाइट्रोजन आर्सेनिक। एंटीमनी का मैं लिख सकता हूं Zn3SB2 एंटीमनी, और बिस्मथ क्या हो जाएगा, तो आपका बिस्मथ हो जाएगा Mg3Bi2, ठीक है, इसको आप बोलते हो बेटा कैल्शियम नाइट्राइड, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, सेम चीज है। कैल्शियम फास्फाइड इसको बोलेंगे आप, क्या बोलोगे, कैल्शियम फास्फाइड, ठीक, इसको क्या बोलोगे, सोडियम आर्सेनाइड, इसको आप बोलोगे जिंक एंटीमोनाइड, इसका नाम है बेटा जिंक एंटीमोनाइड, और आपका लास्ट क्या है, मैग्नीशियम बिस्मथाइड, ठीक है। हमने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, बहुत ईमानदारी से हमने समझाया, अगर आपको समझ में आया टॉपिक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और अगर कहीं भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि कहाँ पे आपको डाउट है, हम इसको समझाने की फिर से कोशिश करेंगे अगले वीडियो में।